इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर विपक्षी पार्टियों ने पलटवार किया। कांग्रेस और बीएसपी ने इसे ध्रुवीकरण की कोशिश का नाम दिया है। अब आप वापिस उसी पोलराइजेशन पे आ गए। अब्बा जान, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप जान साहब, आप कौन से जान हो? मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप जान साहब, योगी साहब, आपने आपके सरकार में लाशें तैर रही थी, उसका जवाब उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश का चुनाव एक पॉजिटिव गवर्नेंस के मॉडल पे लड़ेंगे, जिसमें हम लोगों को रोजगार कैसे देंगे उस पर बात करेंगे, महिलाओं के आत्मसम्मान की कैसे रक्षा होगी उस पर बात करेंगे। जिस सरकार के नीचे हाथरस जैसी घटना हो जाए, उस सरकार को नैतिकता के आधार पे एक क्षण भी रहने का ताकत नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को सच बोलना चाहिए। फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो वो है ध्रुवीकरण, और वो भी धर्म के आधार पर। कभी वो कब्रिस्तान और शमशान घाट की बहस करते हैं, कभी कहते हैं कि बिजली दी जाती है फ्री में, जो एक त्योहार होता है अल्पसंख्यकों का, उस पर दी जाती है ईद मनाने के लिए, और दिवाली में नहीं दी जाती है, होली में नहीं जाती। ये इस प्रकार की जो भाषा बोलकर लोगों के अंदर ये विभेद पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। असली बात है विकास की। विकास में ये सरकार फेल हो गई है योगी जी की। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।